Wonders of Science, Grade 5, Unit 1, Lesson 7, Animals. Assalamu alaikum students. Today we learn in lesson number 7, all chapter go through. हम इस लेसन में तमाम टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि हम 6 लेसन्स के अंदर पढ़कर आए हैं. इस चैप्टर में पूरे चैप्टर में क्या क्या पढ़ा उसके बारे में आज सब कुछ एक दफ़ा से फिर से पढ़ेंगे. सबसे पहला टॉपिक क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन के बारे में हमने पढ़ा था तरतीब देना कि साइंसदानों ने ज़मीन पर इतने ज़्यादा लिविंग थिंग्स थे उनको डिफरेंट ग्रुप्स में जब अरेंज किया तो इसको हम क्लासिफिकेशन कहते हैं. ठीक है, क्लासिफिकेशन किस लिए की थी उन्होंने? इसलिए कि हम इजीली किसी भी लिविंग थिंग्स के फीचर्स के बारे में जान सकें. ठीक है, उसके बारे में पढ़ सकें, कुछ भी तमाम इंफॉर्मेशन इजीली हमें मिल सके. नेक्स्ट वन था. अब क्लासिफिकेशन को हमने देखा था कि ग्रुप्स में लिविंग थिंग्स को ग्रुप्स में डिवाइड किया है. अब इन ग्रुप्स को हम किंगडम बोलते थे और ये 5 थे. कौन कौन से थे? बैक्टीरिया, एल्जी, फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स. इसके अलावा 5 ग्रुप्स के अलावा साइंटिस्ट ने लिविंग थिंग्स को 2 जो लार्जर ग्रुप्स थे उनमें डिवाइड किया जो कि वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स थे. ठीक है, उन सब 5 ग्रुप्स में जो शामिल लिविंग थिंग्स थे उनको 2 बड़े ग्रुप्स में डिवाइड किया, वो थे वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स. वर्टिब्रेट्स ऐसे जानदारों को बोलते हैं, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं जिनमें बैकबोन होती है. ठीक है, विच कंसिस्ट ऑन बैकबोन. और इनवर्टिब्रेट्स ऐसे जानदारों को बोलते हैं जिनमें बैकबोन नहीं होती, जो कि रीढ़ की हड्डी के बगैर होते हैं. इसकी हमने कुछ एग्जांपल्स भी देखी थी. अब कौन कौन से जानवर थे इनमें उसके बारे में देखेंगे. सबसे पहले हम एक और टर्म के बारे में देखा था, कोल्ड ब्लडेड एंड वार्म ब्लडेड, कि वर्टिब्रेट्स में और इनवर्टिब्रेट्स में जानदार या लिविंग ऑर्गेनिजम्स 2 तरह के होते हैं. ठीक है, कोल्ड ब्लडेड वो जानदार थे, वो वर्टिब्रेट्स थे जिनका टेम्परेचर इन्वायरमेंट के साथ, माहौल के साथ चेंज होता है. और वार्म ब्लडेड वो जानदार थे जिनका टेम्परेचर माहौल के साथ, इन्वायरमेंट के साथ चेंज नहीं होता. यानी कि कोल्ड ब्लडेड जानवर अगर सर्दी होगी तो उनका जो जिस्म होगा, उनकी जो बॉडी होगी, बॉडी टेम्परेचर जो होगा वो भी कोल्ड हो जाएगा. और अगर हॉट यानी के समर सीजन होगा तो उनका बॉडी टेम्परेचर हॉट हो जाएगा. ठीक है, गर्म हो जाएगा. इसके अलावा वार्म ब्लडेड वो वर्टिब्रेट्स थे कि अगर माहौल का टेम्परेचर चेंज हो भी रहा है तो इनका जो बॉडी टेम्परेचर होगा वो चेंज नहीं होगा. इसके अलावा वर्टिब्रेट्स को फर्दर उन्होंने सब ग्रुप्स में डिवाइड किया था. ठीक है, और ये 5 थे जिनमें फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स आते हैं. सबसे पहले हमने फिश के बारे में पढ़ा था कि फिश जो है वो कोल्ड ब्लडेड वर्टिब्रेट्स है, यानी इसमें रीढ़ की हड्डी भी है और कोल्ड ब्लडेड है, माहौल के साथ इसका टेम्परेचर चेंज होता रहता है. ठीक है, इसकी स्किन जो सी होती है वो स्केल्स के साथ कवर होती है और ये अंडे देती है और सांस ये गिल्स की मदद से लेती है. नेक्स्ट वन हमने पढ़ा था एम्फीबियंस. एम्फीबियंस कौन से होते हैं? वो कोल्ड ब्लडेड वर्टिब्रेट्स होते हैं. ये ज़मीन पर भी और पानी में भी रहते हैं. ठीक है, और सांस ये जब ज़मीन पर होते हैं तो लंग्स की मदद से लेते हैं और जब पानी में होते हैं तो स्किन की मदद से लेते हैं. ठीक है, और ये भी अंडे देते हैं और अंडे ये पानी में देते हैं. इनके जो अंडे हैं उनमें शेल्स नहीं होते. इसकी कुछ एग्जांपल्स थी फ्रॉग, टोट्स, न्यूट्स. ठीक है, नेक्स्ट वन था रेप्टाइल्स.
रेप्टाइल्स भी कोल्ड ब्लडेड वर्टिब्रेट्स थे जिनका माहौल के साथ टेम्परेचर चेंज होता रहता है। इनकी जो स्किन है वो रफ स्किन होती है, यानी कि स्केल्स होते हैं। और रेप्टाइल्स उन जानवरों को भी बोला जाता है जो रेंगने वाले होते हैं, ठीक है। ये अपने फेफड़ों के जरिए सांस लेते हैं जिस तरह हम ह्यूमन बींग्स लेते हैं। इसके अलावा ये अंडे देते हैं ज़मीन पर, और इनके अंडों के ऊपर शेल्स होते हैं, ठीक है। और वो शेल्स इतने सख्त होते हैं जैसे कि एक लेदर टाइप इनके ऊपर कवरिंग की जाती है। इनकी एग्जाम्पल्स हमने पढ़ी थी, स्नेक्स, लिजर्ट्स, टर्टल्स वगैरह। उसके बाद आते हैं बर्ड्स। बर्ड्स जो से होते हैं वो वार्म ब्लडेड वर्टिब्रेट्स होते हैं। वार्म ब्लडेड के बारे में अभी हमने पढ़ा कि जिनका टेम्परेचर माहौल के साथ चेंज नहीं होता। ह्यूमन बींग्स भी वार्म ब्लडेड हैं, ठीक है। और बर्ड्स ह्यूमन बींग्स की तरह अपना टेम्परेचर इन्वायरमेंट के साथ चेंज नहीं करते, ठीक है। इसके अलावा ये फीडर एंड विंग्स रखते हैं और अंडे देते हैं जिनके अंडों पर हार्ड शेल्स होते हैं, और ये सांस लंग्स की मदद से लेते हैं। इसकी एग्जांपल हमने देखी थी पिजन्स, स्पैरोस, पैरट्स एंड हैंस वगैरह। इसके अलावा लास्ट वर्टिब्रेट्स कौन थे? मैमल्स। मैमल्स उनको बोला जाता है जो बच्चे देती हैं और दूध देती हैं, ठीक है। इसके अलावा ये सांस अपने लंग्स की मदद से ही लेती हैं। इनके जिस्म पर बाल होते हैं। नेक्स्ट वन था इनवर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट्स भी 5 सब ग्रुप्स में डिवाइड किए गए हैं। एनिमल्स जिनमें वर्म्स, इंसेक्ट्स, क्रिस्टिशियंस, ऑर्किड्स एंड म्यूस्कस शामिल थे। इंसेक्ट्स के वर्म्स के बारे में हमने पढ़ा था कि वर्म्स की जो बॉडी होती है वो बहुत सॉफ्ट होती है और इनमें टांगे नहीं होती, ठीक है। और ये कुछ बहुत ही टिनी होते हैं और कुछ बहुत ही लार्ज होते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमने पढ़ा था कि इनकी जो बॉडी होती है उसको उसके लिहाज से इनको 3 तरह से अलग से डिवाइड किया होता है कि यानी कुछ जो वर्म्स होते हैं वो फ्लैट होते हैं और कुछ राउंड होते हैं और इसके अलावा कुछ सेगमेंटेड वर्म्स होते हैं। नेक्स्ट वन था इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स के बारे में हमने पढ़ा था कि इंसेक्ट्स को की जो बॉडी है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। अब जो थोरैक्स है यानी कि उनका दरमियाना पार्ट, उसके साथ उनकी लेग्स जो सी हैं वो अटैच्ड होती हैं, और वो लेग्स के पेयर होते हैं, 3 पेयर्स होते हैं, यानी कि 6 लेग्स उनके थोरैक्स बॉडी पार्ट के साथ अटैच होती है। और बहुत से जो इंसेक्ट्स हैं उनमें विंग्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन क्रिस्टिशियंस। क्रिस्टिशियंस जो उनसे होते हैं ये पानी में रहते हैं और ज़मीन में भी रहते हैं। इनका जो आउटर स्किन होती है वो हार्ड शेल से बनी होती है। इसकी कुछ एग्जांपल हमने पढ़ी थी, क्रैब्स, लूबस्टर एंड श्रिम्प्स वगैरह। नेक्स्ट इज ऑर्किड्स। ऑर्किड्स ऐसे ग्रुप्स में शामिल थे जिनकी जो फीचर्स थे वो इंसेक्ट्स के साथ मिलते जुलते थे, यानी उनकी अगर 6 लेग्स होती थी तो इनकी कितनी है? 8। इसके अलावा उनकी बॉडी 3 पार्ट्स पर डिवाइड थी और इनकी बॉडी 2 पार्ट्स पर डिवाइड है, ठीक है। और डिफरेंस इसका ये था कि उनके विंग्स होते हैं और इनके विंग्स नहीं होते। ये भी अंडे देते हैं। नेक्स्ट वन इज मेल्यूस्कस। मेल्यूस्कस इनवर्टिब्रेट्स का लास्ट एंड फाइनल एनिमल का ग्रुप है ये। इसमें स्क्वाड एंड कैटलफिश, इसकी एग्जांपल हमने पढ़ी थी। इनकी जो बॉडी होती है वो बहुत ही सॉफ्ट होती है और इनकी बॉडी के ऊपर एक अलग से शेल होता है, आउटर शेल्स होते हैं जो कि बहुत हार्ड होते हैं और इनकी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। इनमें कोई बोन